नमस्कार दोस्तों, कहानी का नाम है फ्लैट नंबर 403 वाले। और नई कहानियों के लिए कथा संचय चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे मेरी हर नई कहानी की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके। धन्यवाद। कहानी चोरों के लिए विशेष सूचना, ये एक स्वरचित कहानी है, इसे चोरी करके अन्य चैनल या किसी भी प्लेटफॉर्म पर ना डालें, अन्यथा आपके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाएगा। विधि शाम को अपनी बालकनी में बैठी चाय पी रही थी, तभी बाहर बड़ा सा ट्रक आकर रुका और मजदूर उसमें से सामान उतारने लगे। थोड़ी देर में ही उसे पता चल गया कि सामने वाले 403 नंबर के फ्लैट में कोई रहने के लिए आया है। विधि की बालकनी से सामने वाले फ्लैट के किचन की खिड़की और बालकनी दोनों दिखते थे। अगले दिन सुबह सुबह उसने देखा कि 403 नंबर वाले दंपति किचन में कुछ पका रहे हैं। दोपहर में काम से फ्री होकर जब वह बालकनी में आई तो उसने देखा कि 403 नंबर वाली अपनी बालकनी में बैठी कुछ पेंट कर रही थी। विधि से नजर मिलते ही वह हेलो बोलकर मुस्कुरा दी। बदले में विधि भी मुस्कुराने लगी और उसने उसे हाय कहा। उसने विधि को अपने घर पर बुलाया। विधि भी उससे जान पहचान बढ़ाना चाहती थी तो वह भी उससे मिलने के लिए चली गई। वहां जाकर उसे पता चला कि उसका नाम रिया और उसके पति का नाम विनोद है। विनोद सुबह सुबह ऑफिस चला जाता था, उसके बाद रिया अपनी पेंटिंग क्लास के लिए जाती थी और 11 बजे तक वापस आ जाती थी। फिर बाकी सारा दिन घर के कामकाज और अपनी पेंटिंग में व्यस्त रहती थी। जल्दी ही विधि और रिया में अच्छी दोस्ती हो गई। विधि की नजर जब तब रिया के घर पर पड़ जाती और वह देखती कि कभी उसके पति किचन में खाना पकाने में मदद कर रहे हैं, कभी कपड़े सुखाने में मदद कर रहे हैं। और तो और एक दिन जब विधि उनके घर मिलने के लिए पहुंची तो उसने देखा कि पानी गिरा हुआ था, तो उसके पति फटाफट पोछा लेकर आए और पोछा मारने लगे। इतनी मदद करते हुए देख विधि ने रिया से आश्चर्य से पूछा, तुम्हारी लव मैरिज हुई है क्या? यह सुनकर रिया शर्मा गई और बोली, नहीं यार, लव मैरिज नहीं हुई है, लेकिन जो लोग भी हमें देखते हैं वो यही सवाल करते हैं। विधि बोली, वो तो कहेंगे ही ना यार, तुम्हारे पति घर के कामों में इतनी मदद करते हैं, तुम दोनों की जोड़ी और तालमेल देखकर कोई भी यह कहेगा कि तुम दोनों की लव मैरिज है। विनोद मुस्कुराते हुए बोला, लव मैरिज नहीं की तो क्या हुआ भाभी जी, इससे प्यार थोड़ी ना कम हो जाता है। और जहाँ प्यार है वहाँ परवाह भी है, और प्यार में सिर्फ अधिकार ही नहीं कुछ फर्ज भी शामिल होते हैं। यह मेरी अर्धांगिनी है। हम दोनों की गृहस्थी की गाड़ी के हम दो पहिए हैं, तो इस गाड़ी का भार भी दोनों को आधा आधा मिलकर उठाना चाहिए या नहीं? विधि मुस्कुराते हुए बोली, रिया तुम तो बहुत भाग्यशाली हो यार। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या सिर्फ लव मैरिज करने वाले पति पत्नियों का ध्यान रख सकते हैं? क्या हर पति को अपनी पत्नी की मदद करनी चाहिए, या घर का काम कर देने से पति छोटे हो जाते हैं, वही सारे काम पत्नी जीवन भर करती रहती है, तो पति भी यदि थोड़ी मदद कर दे तो क्या बुराई है? अपने विचार कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।